गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम पार्ट 11 पोंगल पढ़ रहे हैं। पोंगल में पेज नंबर 21 है ना, और लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, है ना बेटा। सांझ को जब घर में सफ़ेदी हो चुकती है, तब फर्श को रगड़ रगड़ कर धोया पोंछा जाता है ना। जैसे हम लोग पुताई करने के बाद साफ नीचे जो रंग पड़ गिरता है तो हम उसको पोंछते हैं ना, इसी प्रकार ये लोग भी करते हैं। चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं। चावल के आटे से कुछ आकृतियाँ बनाते हैं जिन्हें कोलम कहते हैं। हम लोग जैसे रंगोली बनाते हैं ना, उसी प्रकार ये चावल के आटे से बनाते हैं ना। कोलम नई फसल के चावल से बनाते हैं, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। ऐसा नहीं कि पुराना चावल या आटा रखा है चावल का तो उससे बनाते हैं, नहीं बनाते, वो नए चावल के आटे से ही बनाते हैं बेटा। कोलम के लिए सुर्ख आटे को पानी में घोलकर उससे प्रत्येक कमरे के भीतर दीवारों के साथ साथ पट्टियां बनाई जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ढीग लगाते हैं ना चूने से, उसी प्रकार ये चावल के आटे से बनाते हैं। पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है, उसमें दूध, नई फसल के चावल एवं गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शर्कराई भोग तैयार किया जाता है, इसीलिए इस दिन को शर्कराई पोंगल कहते हैं। जैसे अपन खीर बनाते हैं ना, इसी प्रकार ये नए चावल के से बनाते हैं, है ना, उसमें मसाले सब डालकर, है ना। और जो बर्तन है वो उस दिन के लिए खरीदते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है उसको खरीदते हैं। जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं वह पोंगल पानाई कहलाता है, पन्नाई कहलाता है, ठीक है ना बेटा, उस बर्तन का नाम है, ठीक है। वह बर्तन के गले पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है। हल्दी का जो पौधा होता है सब शुभ मानते हैं, आप भी हम भी सभी लोग हल्दी को शुभ मानते हैं। तमिलनाडु के लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, पवित्र। जैसे हम लोग शादियों में हल्दी लगाते हैं ऐसे ही, है ना। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है, इन्हीं दिनों ईख की फसल भी उतरती है। हल्दी, धान, ईख, ईख माने गन्ना, सबकी फसल एक साथ निकलती है वहाँ पर, इसीलिए हर घर में कुछ ना कुछ फसल रहता है ना। सभी लोग कुछ ना कुछ खेती तो करते होंगे, इसीलिए, है ना। पोंगल की पूजा से पहले नए कपड़े पहनना जरूरी है, माने वहाँ का एक नियम है कि अगर पोंगल में पूजा करने बैठना है तो आपको नए कपड़े पहनना ही है, तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। इसी बीच माने इसी में क्या होता है, सब लोग ये नहीं कि अपन ने पिछली बार पहना है वही कपड़े पहन ले, है ना। फिर सबके बीच शर्कराई पोंगल बांटा जाता है। शर्कराई पोंगल माने गुड़ से बना हुआ वो खीर, है ना, बांटा जाता है। ईख काट कर गडेरिया बनाई जाती है। ईख माने गन्ने को काट कर अपन एक एक टुकड़ा करके, ऐसे 5-6 गन्ने के टुकड़े मिलाकर एक गडेरिया। ईख तमिल में ईख को करंब कहते हैं, तमिल में ईख को क्या बोलते हैं, करंब, और गडेरी को करंब तुंड कहते हैं। गडेरी को क्या बोलते बेटा, करंब तुंड, माने जो एक एक टुकड़े होते हैं ना ईख के, उसको, है ना, करंब तुंड कहते हैं। समझ में आए बेटा। अगला दिन माटु पोंगल के रूप में मनाया जाता है। माटु माने बैल, पशु, है ना, उसके त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना का मतलब पूरे साल उन्हें जितना अपनी सेवा करी उसके लिए, है ना, उसके धन्यवाद के रूप में उसकी कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि सारे साल वे परिवार की सेवा करते हैं, माने उनने हमारे लिए इतना काम किया, इसीलिए, है ना। गायों के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है। गायों के मस्तक पर, माथे पर हल्दी कुमकुम लगाया जाता है ना। उनके गले में पुष्पहार डालकर उनकी पूजा की जाती है। उनके गले में फूलों की माला डालकर उनकी पूजा की जाती है। हम लोग भी दिवाली के बाद गाय बैलों की पूजा करते हैं ना, बैल ऐसे, है ना बेटा, हर घर में होता है, अधिकतर लोग करते हैं। जिसके घर में गाय बैल होते सब लोग पूजा करते हैं ना बेटा, हाँ। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है, माने जो अपन ने खीर बनाया है वो जो बनाते हैं पकवान वगैरह वो सब खिलाते हैं, है ना। खेतों में काम करने वाले
लोग बैलगाड़ियों और हलों और दूसरे औजारों और हथियारों पर रंग रोगन करते। खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों और हथियारों पर रंग रोगन करते, जैसे हम लोग दिवाली में करते हैं, ऐसे ही है ना। अपने घर में जो भी सामान रहता है जिससे हम काम करते पूरे साल, उसकी सफाई वगैरह करते हैं ना। बैलों के सिंगों को घिस घिस कर, है ना, घिस कर नोकदार बनाया जाता है। वो इसीलिए बनाते हैं बेटा, जैसे आपने देखा है कुछ लोग अपने बैलों के सींगों पर पीतल के छल्ले डालते हैं देखने में सुंदर लगे, इसी प्रकार काम के लिए, है ना, इसी के लिए, सुंदर लगने के लिए। उन पर रंग रोगन लगाकर उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मण दिए जाते हैं, माने धातु के छल्ले लगाकर उसमें जो सुंदरता बढ़ाने के लिए उनके सींगों की, है ना। ये तैयारियां होती हैं मंजी विरुट के लिए। मंजी विरुट क्या होता है, वहां पर बैलों की एक दौड़ होती है, है ना। रंग बिरंगे सींग वाले बैल गलों में मन के और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं, है ना। इनको दौड़ाते हैं क्योंकि एक ये वहाँ का खेल है जिसमें क्या करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से बैलों को तैयार करते हैं और गले में अच्छे से माला वगैरह पहनाकर और एक थैला होता है उसमें वो लोग पैसे डाल देते हैं और उसको क्या है उसके गले में बांध देते हैं। वो इसीलिए बांधते हैं कि ये बैल क्या है बहुत तेज़ दौड़ते हैं, दौड़ाते हैं, और जो भी व्यक्ति, जो भी लड़के बालक जो भी हैं उस बैल को अपने काबू में कर उसके पीठ पर बैठ जाता है और फिर क्या करता है उस पैसे को निकालना। हम पढ़ेंगे आगे, हम बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। उसके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं, है ना, उस चलते हैं, दौड़ते हैं। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेर कर उसके पीठ पर सवार हो जाता है। कुछ फासले तक उसे दौड़ाने के बाद वह बैल उसके बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है। मैंने कहा था ना बेटा ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या है एक सिस्टम है, वहाँ का एक माने खेल है, जो बैल के गले में बंधे हुए पैसे छुड़ा ले, निकाल ले, तो वो व्यक्ति वह या वो समूह जितने लोग उसमें भाग ले रहे हैं उन लोग को वो पैसे मिल जाते हैं। तो उसमें कम अमाउंट नहीं होगा, पैसा ज़्यादा होगा सब लोग, क्योंकि इतना मेहनत करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है उसके पीछे, है ना, क्योंकि बैल एकदम से काबू नहीं आएंगे उनके पास में कि चलो निकाल लो, है ना। वे रुपये उसी के हो जाते हैं, माने उन्हीं को वो पैसे मिलते हैं, समझ में आया। पर सब बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते क्योंकि बैल बहुत तेज होते हैं, भागते हैं, है ना। कुछ बैल तो बड़े उग्र होते हैं, माने बहुत गुस्से वाले, उग्र माने बहुत गुस्से वाले होते हैं। अगर कोई उनके निकट जाकर उनकी सवारी करने की कोशिश करता है या उसके गले में पड़े फूलों के हार या रुपयों की थैली उतारना चाहता है तो वे भड़क उठते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, वो ऐसे उनके गले का सामान या जो भी उनके उसके गले में हो निकालने नहीं देता। फिर भी कई लोग अकेले ही ये सब मिलजुल कर बैलों से टक्कर लेते हैं, माने कुछ लोग अकेले भी करते हैं, कुछ लोग सब मिलजुल कर करते हैं ना। बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये देखने में, क्योंकि कुछ लोग गिरते होंगे, कुछ लोग दौड़ते होंगे, है ना। सब लोग मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। सांझ होते ही ग्राम देवी के खुले मंदिर में किसानों की स्त्रियां पूजा करने आती है। सब लोग मिलकर पूजा करने मंदिर पे आते हैं। इसके बाद बैलगाड़ी की दौड़ होती है। बैलगाड़ी की दौड़ में ऐसा होता है अपने अपने घर से जो बैल के जोड़े हैं वो अपनी गाड़ी में बांध कर वो प्रतियोगिता करते हैं, है ना। बैलगाड़ी का दौड़ होता है जिसमें बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी शामिल होते हैं। सब लोग मिलकर उस दौड़ में शामिल होते हैं क्योंकि ये सब देखने में बहुत आनंद आता है। जैसे अपन लोग दुर्गा जी विसर्जन के टाइम में दशहरा मनाने जाते हैं, इसी प्रकार ये लोग भी अपने पोंगल त्यौहार को ऐसे ही उत्साह से मनाते हैं, ठीक है ना।
तो आपको समझ में आया ना बेटा कितना अच्छे से ये लोग अपने त्यौहार मना रहे हैं, आपको मज़ा आया। सोचिए बेटा अगर हम तमिलनाडु में होते ये त्यौहार देखने को मिलता तो कितना मज़ा आता। आता ना बेटा, बहुत अच्छा लगता है ऐसे त्यौहार वगैरह अपन देखने जाओ मनाते हैं तो, है ना। त्यौहार तो त्यौहार होता है, किसी भी त्यौहार में अपन को शामिल होने का मौका मिलता है तो हमको बहुत मज़ा आता है। अब अनमोल वचन, उत्सव आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं, हमको मिलजुल कर रहने के लिए सब मिलकर एक त्यौहार को मनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ये किसने कहा है? प्रेमचंद ने, है ना। मनुष्य उत्सव प्रेमी है, मनुष्य उत्सव का प्रेमी है, हमको त्यौहार वगैरह मनाने को मिलता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है, या छोटा त्यौहार है या बड़ा त्यौहार हो, है ना बेटा। तो ये किसने कहा है? कालिदास जी ने, है ना। उत्सव एक ऐसा उपहार है जो केवल मानव को ही मिलता है। उत्सव क्या है? इंसान ही मनाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसको त्योहारों का महत्व पता है, है ना। तो ये किसने? अज्ञात, है ना, पता नहीं किसने लिखा है, फिर भी ये हमें मानना है कि उत्सव बहुत अच्छा लगता है। त्यौहार किसको पसंद नहीं है? सभी को त्यौहार पसंद है बेटा, सबको अपने अपने त्यौहार बहुत उमंग और उत्साह से प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए, सभी को सहयोग देना चाहिए, है ना। सब लोग को मिलजुल कर हर एक त्यौहार मनाना चाहिए, है ना। ओके बेटा, बाय।